हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो रिसेंटली एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी बैटल को डिस्कस किया जा रहा था, इसकी एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया जा रहा था, जिसने डेफिनेशन ही चेंज कर दी कि असल में एक बैटल, एक वॉर होती है। आप सबने इसके ऊपर काफ़ी कंटेंट सुना होगा, देखा होगा, बॉलीवुड के द्वारा एक मूवी भी बनाई गई, पर थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे अबाउट दी बैटल ऑफ साड़ागरी। अब ये जो बैटल है, रिसेंटली इसकी 127th एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया, तो उसी दौरान काफ़ी सारे डिस्कशन थी जो मैंने सोचा आपके सामने हम एक वीडियो की तरह इसको ज़रूर लेकर आते हैं। तो बैटल ऑफ साड़ागरी, 12th of September 1897। अब ये जो अफरीदी ट्राइब्समैन थे इन 216 सोल्जर्स के अगेंस्ट, इनका नंबर अलग अलग सोर्सेज में, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में वेरियस थाउजेंड्स में रेंज करता है, 8,000, 12,000, 24,000। पर ये जो सिक्स सोल्जर्स थे, ये थे टोटल 21 और एग्जैक्टली 22, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। 127th एनिवर्सरी ऑफ बैटल ऑफ साड़ागरी ऑब्जर्व की गई ऑन 12th of September 2024। अगर हम इस बैटल के बारे में ज्योग्राफिकली समझने की कोशिश करें, तो ये कुछ वो एरिया बनता है जो आज आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के क्लोज मिलेगा। ये एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से एक बहुत ही माउंटेनियस एरिया में एक छोटी सी फोर्ट है, एक किला है, जिसके आसपास बहुत सारे आपको ट्राइबल फोर्स, ट्राइब्समैन देखने को मिलेंगे, और यहाँ से जो वो सिक्स सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश इंडिया के लिए इस किले को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लोकेशन वाइज देखें तो अगर इसको थोड़ा जूम इन करें तो आप देख सकते हो असल में तीन फोर्ट्स के बारे में बात की गई है, गुलिस्तान, लॉकहार्ट और साड़ागरी। असल में साड़ागरी है ना, अब आपको यहाँ देखने में समझ में नहीं आ रहा होगा, पर ये बहुत ही माउंटेनियस एरिया है और तीनों फोर्ट जो है थोड़ा सा हाइट पे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था कि असल में जो गुलिस्तान है इसके बीच में और लॉकहार्ट के बीच में एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट बना रहे। पर हम बात करें आज से 127 साल पहले, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह तब नहीं थी, तो एक डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट बहुत जरूरी होती थी कॉन्टैक्ट के लिए, जो गुलिस्तान और लॉकहार्ट में नहीं होती थी। तो पहले मैसेज गुलिस्तान से साड़ागरी भेजा जाता था, साड़ागरी से लॉकहार्ट। अगर साड़ागरी को कुछ भी हो तो गुलिस्तान और लॉकहार्ट के बीच का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था वो टूट जाता था, जो कि बहुत डेंजरस था, क्योंकि इन दोनों फोर्ट्स में जो डिप्लॉयमेंट थी, जो फैमिलीज वगैरह थी, वो काफी ज्यादा। ठीक है, तो आई होप आपको एक चीज समझ में लगी कि क्यों ये जो फोर्ट साड़ागरी थी इसका फंक्शनल रहना बहुत जरूरी था। तो ये जो ट्राइबल फोर्सेस थी, उन्होंने सोचा कि अगर गुलिस्तान और लॉकहार्ट को वीक करना है तो पहले साड़ागरी को ही अटैक करते हैं, ताकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टूटे और साड़ागरी जीतने के बाद अपनी फोर्सेस को बाकी की दोनों फोर्ट्स की तरफ को मूव करवाएंगे। अगर आप आज ये देखो तो पाकिस्तान की एक प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, केपी के, जैसे पाकिस्तान में प्रोविंसेस हैं सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, केपी के, फिर ऊपर वो इस्लामाबाद आ गया इस तरफ को, वो एरिया जो इलीगली उन्होंने कश्मीर का ऑक्यूपाई किया हुआ है पीओके। तो बलोचिस्तान के ूपर जो केपी के खैबर पख्तूनख्वा, उसकी कैपिटल है पेशावर। तो ये जब जो सब आप देख रहे हो ना, असल में पेशावर के काफी क्लोज है। ठीक है, 12th of September 1897, 21 सिख सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी के और एक नॉन कॉम्बैटियन, जो कि असल में उन सोल्जर्स को फूड वगैरह और बाकी सब चीजों में हेल्प करने के लिए वहां थे, उनका नाम था दाद। तो ये 22 लोग थे जो उस टाइम पे थे 4th-6th का पार्ट, और आज अगर आप देखो, सॉरी, उस टाइम पे थे 36 रेजिमेंट का पार्ट, और आपको देखेंगे आज वो रेजिमेंट बन चुके हैं 4th-6th रेजिमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया नंबर थाउजेंड्स में रेंज करते हैं, कहीं 8,000, कहीं 12,000, कहीं 24,000 तक भी नंबर लिखा था, क्योंकि एग्जैक्टली नंबर था नहीं, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, पर ये बताया कि थाउजेंड्स में नंबर था इस ट्राइबल आर्मी का। ये जो एरिया था ना, उस टाइम पे इसको ब्रिटिशर्स बुलाते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंट।
फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, ठीक है। अब ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में देखने को मिलेगा, पेशावर के पास, ठीक है। तो ये जो 21 सोल्जर्स थे और टोटल 22 लोग जो थे इंक्लूडिंग दाद, असल में इनको लीड कर रहे थे हवलदार ईश्वर सिंह जी, और टोटल 7 घंटे तक ये 22 लोग हजारों की फौज से लड़ते रहे। अगर आप इस इमेज में देखो तो ये 22 लोग हजारों की फौज से लड़ते रहे। रीसेंट जो बॉलीवुड की मूवी थी केसी, उसमें भी दिखाया जाता है। इन 21 सोल्जर्स ने, टोटल 22 लोगों ने 200 मिलिटेंट्स को यहां पर किल किया, मतलब जो ट्राइबल आर्मी के लोग थे, जो ट्राइबल फोर्सेस थी, उनके 200 लोगों को मारा, 600 को इंजर किया। सारा गरी असल में कम्युनिकेशन टावर था फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच में। ये दोनों फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनका कनेक्शन होना काफी ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये सब वैसे तो महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा बनाया गया था, पर बाद में इसको ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई करके रीनेम कर दिया, ठीक है। अगर ये फोर्ट गिरती, अगर इस फोर्ट का, सारागरी का फंक्शनिंग रुक जाती, तो ये जो दोनों फोर्ट थी लॉकहार्ट और गुलिस्तान, इनके बीच का प्रॉपर कॉन्टैक्ट ना हो पाता, जो कि अब आप देखो आज भी फोर्सेस के बीच में प्रॉपर रेडियो कॉन्टैक्ट होना, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना कितना जरूरी, तो उस टाइम पे भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। बाद में ये जो सोल्जर्स थे इनको क्वीन विक्टोरिया के द्वारा अवार्ड दिया गया इंडियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट, जो कि विक्टोरिया क्रॉस के इक्विवेलेंट था। एक इनके लिए ना मेमोरियल भी बनाया गया, असल में एक नहीं, मेमोरियल तो काफी सारे, पर हम इस वाले मेमोरियल की बात कर रहे हैं। तो इस मेमोरियल को जो सारागढ़ी फोर्ट थी उसकी जो, क्योंकि उसको पूरे को आग लगा दी गई थी, उसकी जो बर्नड ब्रिक्स थी, जली हुई ईंटें थी, असल में उसके थ्रू इस मेमोरियल को बनाया गया, जो आज भी आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। साल 2017 में जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने 12th ऑफ सितंबर को डिक्लेयर कर दिया है सारागढ़ी डे, डे टू ऑनर दी ग्रेट फाइटर्स, जो खैबर स्काउट्स है। खैबर स्काउट्स कौन है? जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान में ये जो एरिया है आज ये आता है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के अंदर, जहां पेशावर, तो वहां डिप्लॉयड है पाकिस्तानी आर्मी की खैबर स्काउट्स रेजिमेंट। तो वो आज भी असल में ऑनर करते हैं सारागढ़ी के शहीदों को, और आज भी गार्ड और एक सल्यूट असल में उसी एरिया में उनके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर ये जो सारागढ़ी फोर्ट की बर्न ब्रिक्स थी, वहां जो मेमोरियल बना है उस पर आप इस तरह से देख सकते हो कि यहां पर सब कुछ बताया गया उन सारे सोल्जर्स के बारे में, और इस तरह के आपको मल्टीपल मेमोरियल्स काफी ज्यादा जगह देखने को मिलेंगे, इंडिया में देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान में, और भी दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने सारी डेफिनेशन ही बदल दी कि असल में बैटल क्या होती है, वॉर क्या होती है। सोचो 22 लोग जिसमें से 21 सोल्जर्स थे और दूसरी तरफ हजारों की फौज, फिर भी इन 22 लोगों ने ये नहीं डिसाइड किया कि हम इस फोर्ट को छोड़ दें या अभी के लिए किसी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। उन्होंने यहां पर फाइट किया फॉर 7 आवर्स, 200 से ज्यादा लोगों को पूरी तरह से खत्म किया, 600 को इंजर्ड किया। तो एक बहुत ही महान पीस है हिस्ट्री का। वो सोल्जर्स इस वजह से नहीं लड़े कि वो ब्रिटिश आर्मी का पार्ट है, वो इसलिए लड़े क्योंकि वो सोल्जर, ठीक है, उनका ये काम था, उनको ये चीज समझ में लगी कि अगर आज हम भागेंगे तो एक बहुत बड़ा दाग बन जाएगा, जिस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उस दिन लड़े। और आज 127 साल बाद भी हम इस इवेंट को याद करते हैं, इससे इंस्पायर होते, ठीक है। ऐसे ही और किसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू।